आप देख रहे हैं आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो शेयर चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदी में लिखा है जी न्यूज की वीडियो पर, देखते हैं भाई वीडियो क्या वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। सर मुझे 2007 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सिक्का चलता था, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी राज करते थे। इसी दौरान गोरखपुर में जनवरी 2007 को मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों में बवाल हो गया। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। योगी को खूब प्रताड़ित किया गया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद योगी आदित्यनाथ संसद में फूट फूट कर रोने लगे। योगी ने कहा कि राजनीतिक विरोध के चलते मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। योगी ने संसद में खड़े होकर पूछा कि क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा। योगी ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार, आतंकी और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाई, इसी वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को हद से ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है तो उसका बदला भी दुनिया सिर्फ देखती ही रह जाती है। 2007 में ही योगी ने कसम खा ली थी कि वो अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। समाजवादी पार्टी के राज में जिन माफियाओं ने उत्तर प्रदेश की जनता को कुचल दिया था, आज योगी ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। अब आप योगी आदित्यनाथ के दो बयान सुनिए और बताइए कि योगी के इन दोनों बयानों में आपको क्या फर्क नजर आता है। सर मुझे बोले बोले डोंट बी पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यू आर अ वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार योगी साहब तो बड़े इमोशनल हो गए थे यार, वाकई बहुत ज्यादा। कितना लेकिन उन्होंने माफिया का फिर मिला भी मिट्टी से। सही किया बिल्कुल। उनको पता था मैं एक सियासत का बंदा होकर जो है ना मेरे साथ ये सलूक हो रहा है, और ये जो आम एक जो शहरी हैं लोग हैं उनके साथ ये कैसा रवैया अख्तियार करते होंगे, उनको कितना तंग करते होंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिला कर दिखाया भी। और बेशक मुस्लिम थे, मतलब अक्सर पाकिस्तान कहते हैं कि वो मुस्लिम थे, हिंदू को नहीं मानते, हम फिर भी कहते हैं कि वो बिल्कुल आपने भी अच्छा किया था। वहां के लोगों को जो है ना सुकून मिल गया। जितना अब पता नहीं उधर के लोग जिस हालत में वो सबसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन जितना हमने इनकी वीडियो देखी है इनके आने के बाद, सीएम योगी के सीएम बनने के बाद, मैंने देखा है कि दो चार वीडियोस मेरे तक भी पहुंची कि जो माफिया थे या गुंडे थे उन्हें खुद आगे सरेंडर किया अपना थानों में आकर, और SHO को कहा, हम उसे SHO बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं, तो उन्होंने मतलब उनको कहा कि आप हमें अपनी पनाह में रख लें, नहीं तो अदरवाइज हम लटकाए जाएंगे। ऐसा होना चाहिए, लिबर्टीज का डर हो। लेकिन वो रोए पता क्यों थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने इस संसद के लिए यानी कि इस जनता के लिए लोगों की भलाई के लिए मैंने अपना घर जोग लिया, जोग का मतलब सारे को तर्क कर दिया, घर भी छोड़ दिया, माँ बाप भी छोड़ दिया, सारा कुछ कबीला खानदान छोड़ दिया, इतना ईजी नहीं होता।
बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है बातें करनी आसानी। आज हम अगर अपने आप पर ये चीज़ लागू कर लेना कि भाई आज के बाद हमारा ना कोई बहन है, ना हमारी कोई हमारा भाई है, ना आज के बाद हमारे बीवी बच्चे हैं, ना आज के बाद हमारा कोई घर है, और दुनिया और ये दुनिया की भलाई जो है, अवाम और लोगों की भलाई ही आज के बाद मेरा मकसद है। तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ हम ये कल्पना ही कर रहे हैं, सोच भी लें तो हमें एक मतलब झटका लगता है कि यार हम अपने बीवी बच्चों से, अपने अपने बहन भाइयों से, अपने माशरे से कैसे कट ऑफ रह सकते हैं। रियल में करना ये बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने छोड़ दिया था और उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया गया, जेल में डाला गया कि वो मतलब कि एक अपोजिशन लीडर है, उस पर जब ये बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस वजह की वो लोगों का भला चाहते हैं या उनके लिए काम करना चाहते हैं या उन्होंने जो भी योगी साहब का ना इनको रोते हुए देख के मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। रोना तो नहीं आया, इतना ये रोना नहीं आया, लेकिन इतना सा महसूस थोड़ा सा हुआ कि इतना यार बड़ा बंदा कह लिया यार। ये मुखलिस लीडर की निशानी होती है, मुखलिस बंदे की और मुखलिस लीडर की भाई यही होती है कि जब उसके साथ हाँ उसका कसूर ना हो तो फिर भी दूसरे उसके साथ ज्यादती करें तो फिर उसका रोना बढ़ता है। तो यार इतना बंदा जो कह लें कि एक पार्लियामेंट में खड़े होकर इतने ज्यादा लोगों के सामने जब रोता है तो उसकी जो कैफियत है ना वो समझी जा सकती, देखी जा सकती है कि वाकई यार अगर किसी के साथ कोई बिला वजह कोई ज्यादती करता है तभी उसे भाई रोना आता है, ऐसे अदरवाइज मैं कहता हूँ जिंदगी में मैंने पहली बात बात देखा है सीएम योगी पार्लियामेंट के अंदर रो रहे हैं, लेकिन आज का रुला लेकिन उनका जो डायलॉग था ना यार वो बड़ा सही उन्होंने करके भी दिखाया, जो उन्होंने बोला था ना कि सबको मिट्टी में मिला दो, नहीं सब गरीब माफिया ये नहीं के जो होंगे गुंडे टाइप होंगे उनको सबको मिट्टी में मिला देंगे तो वाकई भाई उन्होंने किया भी है जैसे अतीक को किया है और बहुत से दूसरे भी जिनको उन्होंने मिट्टी में मिलाया है। बिल्कुल जी, शानदार थी वीडियो, मिलता नहीं वीडियो मंदाड़ा साथ, अब तक दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।